हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीएचडी की जो वैकेंसी निकली हुई इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आपके लिए पीएचडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं तो पीएचडी होना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए आप जितना जल्दी हो उसके किसी भी यूनिवर्सिटी में अच्छे से देख के परख के एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि पीएचडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं पूरी वैकेंसी के बारे में। देखिए दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो सबसे पहली बात है कि 492 सीट यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, और उसके बाद में इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 तारीख से शुरू हो गया है। और उसके बाद जैसे कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा दोस्तों इसका 100 नंबर का होगा, जिसके अंदर 70 मार्क्स होंगे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के होंगे और जो 30 नंबर है वो इंटरव्यू के होंगे। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम दोस्तों के अंदर क्या कन्फ्यूज़न रहता है कि जिन दोस्तों का नेट क्वालिफाई हो गया है वो सोचते हैं कि हमें डायरेक्टली एडमिशन मिल जाए पीएचडी के अंदर, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको नेट हो गया तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। वो ये भी देखते कि एंट्रेंस में किसने टॉप किया है। बहुत क्राइटेरिया फिक्स करती है एक यूनिवर्सिटी एडमिशन दिलवाने के लिए, तो आप वो पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हैं। और दोस्तों हम पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस लिंक पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लिक हेयर फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम आ जाएंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है यहाँ पे, ये देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है। यहाँ पे एडमिशन की जो गाइडलाइन है वो है, और हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये देखना कि हमारे डिपार्टमेंट से सीट निकली हुई है या नहीं। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं टेंटेटिव सीट डिटेल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पीडीएफ खुल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की सीट यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश की इन्होंने 10 सीट दी है, और यहाँ पे टोटल सीट यहाँ पे 21 दी गई है। और जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 10 सीट है, और जो कॉलेज है उसके अंदर 6 सीट है, 1 सीट है और 4 सीट है। अलग अलग इन्होंने डिवाइड की हुई है, यूनिवर्सिटी में अलग है और कॉलेज के अंदर अलग सीट इन्होंने डिवाइड की हुई है। यहाँ पे आप सारी की सारी सीटें देख सकते हैं। और देखिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे आप 1 से लेके 12 तक अपने सब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट देख लीजिए, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अंदर है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे होम साइंस है और मास कम्युनिकेशन है और यहाँ पे इंग्लिश है, ये हो गया। और उसके बाद में हम देखते हैं 12 से आगे कितने और सब्जेक्ट हैं। अब देखिए 13 के अंदर है ओरिएंटल संस्कृत है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि 14 से लेके 24 तक आप देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट है, कितनी सीट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे कि मैं सारी चीज़ें ये बोल बोल के नहीं बता सकता, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। और यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं, और अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको ये पूरी की पूरी जानकारी बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। और उसके बाद में जैसे और हम सीट देख लेते हैं, और भी है यहाँ पे, जैसे कि ये सीट आ गई, और इसके अंदर अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, एजुकेशन है, लॉ है, फाइन आर्ट है, इनके अंदर सभी में यहाँ पे सीट दी गई है। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों जैसे और भी यहाँ पे सीट दी गई है, फैकल्टी ऑफ साइंस में है, ये बॉटनी में है, केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको आसानी हो जाएगी अच्छे से देखने में ये सीट। और उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 15 तारीख से शुरू हो गए हैं, 15 जनवरी से, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे इन्होंने 6 फरवरी दी है, यहाँ पे लेट फीस की दी है। और लेट डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन विद लेट फीस 10 फरवरी यहाँ पे इन्होंने दी है। तो आप यहाँ पे ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट डेट है वो देख सकते हैं। एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे, 26 फरवरी से होंगे। एंट्रेंस टेस्ट है वो 16 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में होगा। तो आप ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में
आ जाएगा। एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, निमिज नेट ऐप। उसके अंदर आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी आगे एंट्रेंस टेस्ट होंगे, PhD में एडमिशन होंगे, MPhil में होंगे, तो उन सभी की जानकारी आपको हमारी ऐप के अंदर मिल जाएगी। आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और अच्छे से इन्फॉर्मेशन लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।